हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो गोचर सीरीज की ये दूसरी कुंडली है। पिछली बार हम लोगों ने 4 नंबर तक राशि का बताए थे, ठीक है, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। जिनके जिनके मेष लग्न है, वृषभ हैं, मिथुन हैं और कर्क हैं, उनकी इस समय जो परिवर्तन हुआ है ग्रहों में, उसके बारे में हम लोगों ने बता दिया था। अब हम लोग जो बात करेंगे वो सिंह राशि से स्टार्ट करेंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आगे का 1 साल, कैसा रहेगा 1 महीना और कैसे रहेंगे बाकी के 2 महीने, इन सब चीज़ों पे देखेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य का हुआ है। आप देखेंगे अगर तो सूर्य आए हैं अपने उच्च राशि मेष में, ठीक है। तो सूर्य का उच्च राशि में आना, फिर उसके बाद से इनके साथ ही गुरु का आ जाना, ठीक है, यहाँ पे, फिर राहु और शुक्र गुरु का हो जाना यानी चंडालियों की तरह काम करना, ठीक है, शनि की तीसरी दृष्टि होना। शनि की तीसरी दृष्टि 1 नंबर में, इस पे ये नीच के होते हैं इसलिए इनका भी इसका भी देखना। फिर उसके बाद से उच्च के मंगल, उच्च के चंद्रमा है यहाँ पे, शुक्र के साथ है, हालांकि हम इनको कंसिडर करेंगे कि शुक्र का स्वगृही होना। फिर मंगल का फिर नीच की स्थिति में जाना, ठीक है, मंगल नीच में होने वाले हैं, ठीक है। तो इस समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने मिलेंगी, उच्च के शुक्र, ठीक है, मंगल जो है ये नीच के हो जाएंगे, ठीक है, मंगल नीच के हो जाएंगे, शुक्र उच्च के हो जाएंगे, जुपिटर जो कि आप हमेशा ही आपको बढ़िया रिजल्ट देते हैं, इसमें शनि, शुक्र और आपके बृहस्पति, ये सब तीनों अपने अपने घर में हैं, स्वगृही हैं। मंगल नीच के हैं और सूर्य उच्च के हैं, ये अभी का कंडीशन है, ठीक है। अब इसको हम बात करते हैं 5वां नंबर यानी सिंह राशि में कैसा रहेगा इनका आगे का टाइम, ठीक है। तो सिंह राशि में देखेंगे सारा खेल इनके भाग्य पे है, सारा के सारे प्लैनेट्स का खेल। एक तो मैरिड में अगर इनका शादी नहीं हुआ है तो मैरिज होने के चांसेस बढ़ गए हैं इस समय, ठीक है। फिर आपका देखेंगे अगर यहाँ पर तो सूर्य उच्च के हो गए हैं, उच्च के सूर्य होना भाग्य में अच्छा होता है, और जब भाग्य भी कह रहा है और इनके मैरिड लाइफ के चांसेस भी बन रही हैं तो शादी के चांसेस इनके बन जाते हैं। किन के लिए? सिंह लग्न के लिए। अगर इनकी शादी हो गई है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है ये शादी में सैटर्न, ठीक है, यहाँ पर। साथ में देखेंगे उच्च का सूर्य बैठा है, कुछ अच्छा होने के चांस रहते हैं ऐसे कंडीशन में इनके भाग्य से रिलेटेड। अगर गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं तो इनको गवर्नमेंट से फ़ायदा होने के चांसेस भी बन जा रहे हैं। जुपिटर का यहाँ होना आपका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ा देता है, और एस्ट्रोलॉजी में पिछले 1 साल से आप देखेंगे कि आप थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में आपका झुकाव बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जुपिटर है यहाँ पर, ठीक है, जुपिटर यहाँ थे अब यहाँ आ गए हैं, ये दोनों जगह इनके लिए बहुत अच्छा होता है। भाग्य में जुपिटर अच्छा रिस्पॉन्स देता है, भाग्य में सूर्य अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, इस वजह से सिंह राशि का अभी अच्छा टाइम चल रहा है, ठीक है। सिर्फ मैरिड लाइफ में थोड़ा दिक्कत दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से अगर इसी को देखें तो इनकी दृष्टि चेक किया जाएगा, तो जुपिटर की दृष्टि आ गई है आपके लगन पर, साथ में यहाँ राहु है इसलिए राहु की भी दृष्टि रहेगी। तो अभी तक का जो आपका टाइम रहा था इसमें थोड़ा सा आप शारीरिक रूप से परेशान रहे होंगे, खुद को लेके आप थोड़ी परेशानी फील करेंगे और फ्यूचर को लेके बहुत सोच रहे होंगे, ठीक है। इस चीज़ों को लेके थोड़ा सा राहत मिलने के चांसेस हैं क्योंकि जुपिटर यहाँ आ गए हैं, ठीक है, बृहस्पति आ गए हैं, तो अब यहाँ पर आपको राहत मिलने के चांसेस, साथ में ये राहत आपको खुद को लेके भी होगा और धार्मिक प्रवृत्ति आप में महसूस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इस घर को देखें, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर की दृष्टि आएगी, ठीक है, अब यहाँ पे जुपिटर की दृष्टि आने की वजह से इस घर की बात करें तो ये 9 नंबर खुद गुरु का ही है, गुरु की यहाँ दृष्टि है, एक बहुत पॉजिटिव दिखा रहा है, यहाँ पे बहुत पॉजिटिव चांस दिखा रहा है कि जो भी आपके पास अगर लवर होंगे तो उनसे शादी की बात होगी इस बीच, ठीक है, और चांसेस बना रहे हैं शादी के, क्योंकि सैटर्न भी आके कह रहे हैं शादी का टाइम बन रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ कहा जाए तो अगर किसी की लाइफ में कोई नहीं है तो ये एक अच्छी लव लाइफ स्टार्ट होने के भी चांसेस हैं, लेकिन क्योंकि राहु की दृष्टि भी है तो इस समय किसी की चलते हुए लाइफ में या तो शादी के लिए करेंगे या तो उनसे ये दूरी बना लेंगे कोई धोखा देके, जैसे क्या पता कि आप शादी कहें और वो मना कर दें, क्योंकि राहु का भी दृष्टि यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के होने के भी चांसेस बन रहे हैं किसके? सिंह राशि के वालों में, ठीक है। सिंह राशि की ये चीज़ बारे में बता दी हमने सिंह राशि को लेकर, ठीक है।
अब आते हैं छठा नंबर यानी कन्या राशि में होने वाले परिवर्तन। तो कन्या राशि में हेल्थ को लेके सचेत रहने की ज़रूरत है, इनको इनके हेल्थ को लेके ध्यान रखें, लेफ़्ट आइज़ को लेके ध्यान रखें, ऑपरेशन या इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है, आँखों में लेके ध्यान रखें और थोड़ा बीमारियों का ध्यान रखें, पेट संबंधित बीमारी भी होने के आपके चांस हैं, ठीक है। और जैसे बताया एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बनते बढ़ गए होंगे, अब बढ़ते चले जाएंगे इस बीच से, ठीक है, आपके बढ़ते चले जाएंगे, ये एक साल तक रहेंगे। क्यों, ये किसके लिए, कन्या वालों के लिए, ठीक है, कन्या वालों के लिए दिखा रहा है, जुपिटर का यहाँ होना, राहु का यहाँ होना, सन उच्च का हो जाना, ठीक है, इसलिए ये दिखा रहा है, ये अच्छा दिखा रहा है आपका एस्ट्रोलॉजी में, अच्छा इंटरेस्ट दिखा रहा, बाकी हेल्थ के लिए थोड़ा सही नहीं होता है ये, ठीक है। सडन गेन सडन उसकी बात करें तो हाँ, आपको एक सडन फ़ायदा होने के भी चांसेस बहुत प्रबल हैं कि कोई एक फ़ायदा होगा आपको, कोई एक कह सकते हैं कि अगर आप शेयर मार्केट करते हैं तो शेयर मार्केट में भी फ़ायदा होने के चांसेस दिखा रहा है, ठीक है। अब क्योंकि मंगल जाने वाले हैं नीच में, इसलिए नीच मंगल का प्रभाव आप ध्यान से देख लें। नीच मंगल का प्रभाव ये होता है, यहाँ से चार नंबर से बैठ के अपने आपके प्यार और उसमें देखेंगे तो इसका मतलब क्लियर है कि आपके बच्चों से आपके प्यार से, ठीक है, और नॉलेज से, इन सब में इफ़ेक्ट पड़ जाएगा निगेटिव, ठीक है, यानी बच्चों से अच्छे रिश्ते जो हैं उसमें थोड़े खटास आ सकते हैं, आपका एनर्जी बॉडी का एनर्जी लेवल कम दिखेगा आपको नेक्स्ट मंथ से, ये सब चीज़ें दिखेंगी आपको मंगल की वजह से, ठीक है। अभी जो मंगल है वो आपको एक कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें दिखा रही है जो कि अब ख़त्म होने को है मंगल, ठीक है। मंगल देखिए 20 डिग्री हो गया, 10 डिग्री के बाद वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ आपका दिखा रहा है सूर्य और जुपिटर राहु की वजह से ये सारी। हाँ, आप देखिए यहाँ सन अपनी ही राशि में जो तीसरी दृष्टि से यहाँ जो देख रहा है तो आपको लो ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ों को भी सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, खून की कमी, लो ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ें भी आपको फेस करने को मिलेगी, यानी कि आप कुल मिला कह सकते हैं आपको थकान फील होगा क्योंकि अगले ही महीने में मंगल जा रहे हैं नीच के होने, तो इसका मतलब है कि आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम दिखेगी ही दिखेगी, ठीक है। उसके बाद जुपिटर और राहु की दृष्टि आ रही है आपके सुखभाव में ये अच्छा रिस्पांस देते हैं, ठीक है, सुखभाव में जुपिटर आपको कुछ अच्छा रिस्पांस देंगे। और उसके अलावा अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो कहीं से एक आपको फ़ायदा दिखा रहा है क्योंकि राहु की दृष्टि भी है, तो राहु की दृष्टि की वजह से दिखा रहा है कि आपको कुछ एक सडन फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है, किसी वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जुपिटर सैटर्न राहु की दृष्टि आ रही है, 12वें घर में जुपिटर है ना, जुपिटर इनका कैरेक्टर लेके आ रहा है, इस वजह से आपको किसी वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, ठीक है, हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है। ये हो गया आपके छठे नंबर राशि के लिए जिसको हम लोग कहते हैं कन्या। तो आते हैं सात नंबर तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तो तुला राशि सातवां नंबर राशि के बारे में बात किया जाए, सातवां नंबर राशि ओवर थिंकिंग के इस समय शिकार हुए पड़े हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच विचार रहे हैं, इससे थोड़ा सा सही करने के लिए अच्छा टाइम है, आप इसको थोड़ा धार्मिक हो जाइए, धार्मिक हो जाएंगे तो थोड़ा ये आपका जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा और धार्मिक बनने का आपका टाइम भी आ गया है, जुपिटर आ गए हैं आपको देख रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि आप थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति अपना ही लेंगे, ठीक है। उच्च के सूर्य वैवाहिक जगह पे आ गए, देखिए मैरिड लाइफ के लिए तो ठीक नहीं है लेकिन हाँ बस शादी कराने के लिए ठीक है, शुक्र सूर्य का यहाँ हो जाना, ठीक है, ये भी कारक हो जाते हैं इसके शादी के, लेकिन यहाँ सूर्य उच्च के हैं, ये शादी करवाएंगे नहीं लेकिन बातचीत करवा देंगे, ठीक है। सैटर्न बैठे अपने घर में बैठ के, यानी कि आपके जो लव लाइफ है वो भी हो सकता है कि किसी अदर कास्ट या अदर रिलीजन के लड़के भी आपकी लाइफ में आएंगे इस समय, ठीक है। ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आपके फिफ्थ हाउस में सैटर्न बैठे हुए हैं अपने ही घर में, ठीक है, इनकी तीसरी दृष्टि बनी हुई है यहाँ शादी वाले घर में, ठीक है, मैरिड लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत दिखा रहा है क्योंकि एक तो सन भी है प्लस राहु भी है तो ये मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कत दिखा रहा, ठीक है। जुपिटर का इफेक्ट करें तो उसी प्रॉब्लम को थोड़ा कम करने में लगे हैं, लेकिन तीन प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले घर हैं, ग्रह हैं, इसलिए दिक्कत आपको दिखा रही, ठीक है। इसके अलावा इनके पांचवी दृष्टि गुरु की यहाँ पड़ रही है जो राहु के साथ आएंगे यहाँ तक, अब यहाँ पे जब राहु के साथ आ रहे हैं तो ये दिखा रहे हैं आपके इनकम को लेके थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ा है अभी तक में और ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से सैटर्न की भी दृष्टि पड़ रही और राहु जुपिटर की भी दृष्टि पड़ रही है।
जुपिटर अपनी तरफ से चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहु और सैटर्न यहाँ पे अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। ओवरऑल कहा जा सकता है कि आपका पैसे का टाइम जो कि अभी तक भी रस चल रहा था, थोड़ी कुछ टाइम तक आपको थोड़ा दिक्कत से और फेस करना पड़ सकता है, लेकिन जुपिटर आपके पहले के मुकाबले इस प्रॉब्लम को कम कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से आप बात करें तो ये आपके फीलिंग्स वाले घर में जा रहे हैं, ब्रेवरी के घर में जा रहे हैं, साथ में राहु भी देख रहे हैं, तो ये अच्छी बात होती है। आप ब्रेव फील करेंगे, अभी कुछ आगे टाइम से अच्छा फील करते चले जाएंगे आप, और अब आपके लिए भी अच्छा समय आ रहा है तुला वालों के लिए। ठीक है, मंगल का यहाँ जाना थोड़ा सही नहीं है, मंगल जो है स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, मंगल का यहाँ आना सही नहीं रहेगा। हेल्थ को लेकर विशेष ध्यान रखें और आलस का कोशिश करें कि आलस ना करें। ठीक है, पिता के हेल्थ का लेके भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपका दिखा रहा है 7 नंबर वालों के लिए। ठीक है, अब 8 नंबर वालों की बात कर लें। 8 नंबर जो कि आपके इस चार्ट में दिखा रहे हैं, 8 नंबर वाले जिनको दिक्कत हो रही है वृश्चिक में, इनमें क्या क्या है। सबसे पहली चीज कि मैरिड लाइफ का इनके भी बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है। ठीक है, 2 नंबर जो कि आपके वृषभ के ही हैं, और वृषभ हैं और शुक्र के ही हैं, तो शुक्र खुद आके बैठे हुए, इनके भी मैरिड लाइफ का बात चल रही होगी, इनकी भी शादी की बात हुई होगी या होगी। ठीक है, अगर इसके बाद बात करें तो जुपिटर ने स्थान परिवर्तन कर लिया है, छठे घर में आ गया है जुपिटर। ठीक है, बृहस्पति भगवान, तो बृहस्पति भगवान यहाँ आके सबसे पहले इस घर में देख रहे हैं। ठीक है, ये घर आपका कर्म का घर है, जुपिटर का दृष्टि यहाँ भी ठीक होता है, धार्मिक प्रवृत्ति अपनाता है बंदा। ठीक है, कर्मों द्वारा इन दोनों जगहों पे एस्ट्रोलॉजिकल हो जाता है, लेकिन यहाँ आते हैं तो ये धार्मिक हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद से जुपिटर है राहु, दोनों का दृष्टि है, एक्सप्रेसिव होते हैं ये लोग। फिर इनके सेकंड घर में जाने का मतलब है थोड़ा पारिवारिक कलह तो होगा, लेकिन फिर ठीक हो जाएगा, ये कोई बड़ा इशू होने नहीं देंगे क्योंकि जुपिटर है। ठीक है, अब इस घर में भी सेम ऐसा ही कह सकते हैं आप, क्योंकि राहु की भी दृष्टि रहेगी प्लस जुपिटर की भी दृष्टि रहेगी, तो जुपिटर की दृष्टि तो यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, पॉलिटिकल मतलब आप सोसाइटी में कुछ अच्छा करेंगे जिससे नाम सम्मान होगा आपका, यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर रहा। उसके अलावा जुपिटर और राहु मिलके आपको बहुत एक्सप्रेसिव बना देते हैं। ठीक है, एक्सप्रेसिव। उसके अलावा इस घर के बारे में हमने बता ही दिया, तो 8 नंबर के लिए भी आपको चीज़ें कंफर्म पता चल चुकी हैं। उसके अलावा मंगल का यहाँ ध्यान रखें, आपका अगला 1 महीने के बाद से 2 महीने तक आपका भविष्य को लेके, अब फ्यूचर को लेके आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ मंगल आ जाएगा नीच के मंगल होके, थोड़ा सा आपको इस पर देख के ध्यान देना होगा। ठीक है, बाकी अगर गुरु और राहु की यहाँ दृष्टि की बात करें तो आप वीरता जरूर करेंगे, थोड़ा सा मतलब ब्रेव होकर काम करेंगे, ये अच्छी बात है और यही आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देगा। उसके अलावा परिवार वाली दृष्टि पे कह रहा है कि परिवार में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो बड़े प्रॉब्लम के रूप में नहीं बदलेंगी, प्रॉब्लम ज़रूर होंगी, बाकी सब आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के 4 राशियों के बारे में बताएंगे। ठीक है, और इस सीरीज़ को ख़त्म करेंगे जिसमें कि अभी गोचर में होने वाले प्रभाव को पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।